सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, धोनी समेत ये हैं दुनिया के वो चार लकी कप्तान जिन्होंने जीते हैं सबसे ज्यादा टॉस। क्रिकेट में टॉस जीतना बेहद जरूरी होता है। अक्सर टॉस जीतना मैच को जीतने की तरफ पहला कदम होता है। कहते हैं कि टॉस जीतना कप्तान और टीम के भाग्य पर निर्भर करता है। ऐसे में टॉस जीतना बेहद जरूरी है। हरी भरी पिच पर और सपाट विकेट पर टॉस जीतकर हर कप्तान अलग अलग फैसला लेता है। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर कौन से कप्तानों ने अब तक किस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा बार टॉस जीता है। एमएस धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के पूर्व कप्तान एमएस धोनी T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान है। धोनी ने साल 2007 से 2016 के बीच कुल 72 T20 मैचों में कप्तानी की है। इस दौरान उन्होंने 35 मैचों में टॉस जीता है। बतौर कप्तान धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ अगस्त 2016 में खेला था। रिकी पोंटिंग, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग वनडे में सबसे ज्यादा टॉस जीतने वाले कप्तान हैं। पोंटिंग ने साल 2002 से 2012 तक बतौर कप्तान कुल 220 मैच खेले जिनमें उन्होंने 124 मैचों में टॉस जीते। ऑस्ट्रेलिया के ही रिकी पोंटिंग ने भी टेस्ट क्रिकेट में खूब टॉस जीते हैं। पोंटिंग ने साल 2004 से 2010 तक बतौर टेस्ट कप्तान 77 मैच खेले जिनमें उन्होंने 37 मैचों में टॉस जीता। गौरतलब है कि पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया से सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं। ग्रीन स्मिथ, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक टॉस जीतने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के ग्रीन स्मिथ के नाम है। स्मिथ ने साल 2003 से 2014 तक दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम का कप्तान रहते हुए कुल 109 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान वे कुल 60 मौकों पर टॉस जीतने में कामयाब हुए। स्मिथ का टॉस जीतने का प्रतिशत 55.05 है। स्टीफन प्लेमिंग वनडे में सबसे ज्यादा टॉस जीतने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। फ्लेमिंग ने साल 1997 से 2007 तक न्यूजीलैंड का कप्तान रहने के दौरान कुल 218 वनडे मैच खेले जिनमें उन्होंने 106 मौकों पर टॉस जीता। इस दौरान उनका टॉस विनिंग प्रतिशत 48.62 का रहा है।